हेलो व्यूअर्स, ममाज क्रिएटिविटी चैनल में एक बार आपका फिर सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज हम लेकर के आ गए हैं पुरानी बेडशीट का यूज़, जो कि आप चाहें तो पुरानी बेडशीट से भी बना सकते हैं, और चाहें तो आप जैसे पुराने पैंट वगैरह होती है जिनका कपड़ा टाइट होता है उनसे भी आप इसको बना सकते हैं। और ये देखिए, उसके बाद में हमें चाहिए होगा ये जो सबसे बेकार वाला जो कपड़े का पार्ट होता है, जब भी सिलाई करते हैं जो लोग उनको पता होगा, ये बिल्कुल बारीक बारीक वाले कतरन, जो कि हम जब सिलाई करते हैं तो मशीन के चारों तरफ का जो एरिया है उसको पूरा परफेक्टली एकदम गंदा करने में बहुत बड़ा हाथ होता है इसका। और आज हम इसी का यूज़ करना देखेंगे। तो इसका जब हम यूज़ करेंगे तो सबसे पहले तो हम इसको कलेक्ट करना पड़ेगा, और जब इसको हम कलेक्ट करते हैं तो हमें बड़ी खुशी मिलती है, क्योंकि जहाँ पर हम सिलाई करते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है इस कचरे की वजह से, इस छोटे छोटे पार्ट्स की वजह से। इनके लिए हमें करना क्या होगा कि जब भी आप सिलाई करें तो एक प्लास्टिक या कोई भी थैली रख लें और उसमें इसको कलेक्ट करते जाएँ, तो इस प्रकार से आपके पास भी बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा, और उसका यूज़ हम बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। एक मैं पहले भी वीडियो इसके ऊपर ला चुकी हूँ जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमने अलग अलग तरीके से बनानी सिखाई थी, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ये देखिए, दूसरा आज हम बनाने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले जो पुरानी बेडशीट थी उसका यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो इसके लिए करना क्या होगा कि जो लगभग बीच वाला जो पोर्शन होता है बेडशीट का वो ख़राब हो जाता है, यानी कि घिस जाता है, पतला हो जाता है। तो इसके लिए हमें साइड वाला जो पोर्शन है उसको चूज़ किया है यहाँ पर। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, यहाँ पे आप कोई भी मोटा कपड़ा दूसरा ले सकते हैं, पैंट वगैरह का ले सकते हैं, या फिर जो आटे की थैली जो प्लास्टिक की आते हैं ना बोरे से, वो भी आप यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। और इसकी अगर लंबाई और चौड़ाई की हम बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है वो टोटल मैं यहाँ पर रखने वाली हूँ 25 इंच, और इसकी जो लंबाई है वो 45 इंच रखने वाली हूँ। तो ये देखिए, दोनों पार्ट को हमने ज्वाइंट कर लिया है। उसके बाद में ये जो एक वाला सिरा है इसको हम जैसे नाड़े के लिए बनाते हैं उसी टाइप का यहाँ पे सिलाई करेंगे। अगर आपका खुले वाला पार्ट है तो आपको 3 बार इसको मोड़ना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने बेडशीट का कपड़ा लिया है तो इसके ऊपर किनारी है, तो यहाँ पे 3 बार मोड़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 1 बार मोड़ने से ही काम मेरा हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस, ये देखिए, जब भी आप इस पर सिलाई करें तो ये ध्यान रखें कि जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है, जो लोग सिल्वर वगैरह सिलते हैं उनको ध्यान होगा, जो नहीं है वो देख लें। तो इस पर हमें करना क्या होगा कि यहाँ पे जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है जहाँ से स्टार्टिंग करते हैं वहाँ पे हमें 2 से 3 बार इसको मशीन को घुमाते हुए सिलाई करना है, और उसके बाद 1 इंच का गैप छोड़ते हुए हमें नीचे इससे सिलाई स्टार्ट करनी है। इससे होगा क्या कि यहाँ पे जो गैप बनेगा उसमें हम जो धागा डालेंगे, नाड़ा डालेंगे इसको बांधने के लिए, उसमें के काम में आएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए, और यही प्रोसेस हम पीछे वाली साइड भी करेंगे। तो ये देखिए, इस प्रकार से हमने इसको बना लिया है। और ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं इसी प्रोसेस के लिए हमने बीच में इसमें गैप छोड़ा था। इसमें जब हम धागा डालेंगे, नाड़ा डालेंगे तो इजी तरीके से डल जाएगा और बेकार सा भी नहीं दिखेगा। और अब इस पर कर लेते हैं हम सिलाई। तो इसी टाइप से हम दोनों साइड से सिलाई कर लेंगे, यानी कि कुल मिला के अगर बात करें तो हमें इसे गोल सा कुछ बना करके शेप में तैयार करना है। अगर आपको समझ में आने में दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा। देखिए, ये हमने दोनों साइड से इस पर सिलाई कर ली है। अभी एक वाला जो पार्ट है इसको हम पहले से ही पैक करके छोड़ेंगे। ऐसे वाले प्रोसेस हमने दूसरी साइड में भी कर रखा है, और इसके अंदर बाद में हम जो छोटे छोटे कपड़े थे हमारे वो डालने वाले हैं, और इससे बहुत ही सुंदर सा हमारा मुड्डा या फिर मुड्डी बन करके तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इसे छोटा बड़ा रख सकते हैं, तो उस हिसाब से आप पाटा भी बोल सकते हैं, इसको मुड्डा भी बोल सकते हैं। और ये देखिए, हमें एक साइड में इसमें नाड़ा डाल लिया है, और ये कुछ इस टाइप का हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अभी हमें करना क्या होगा कि जैसे आप देख पा रहे हैं कपड़ा बहुत ज़्यादा छोटा भरना है हमें इसके अंदर, तो हमें इसके अंदर से निकले नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एक वेस्ट सा कोई भी कपड़ा रख लें। मैं इसी बेडशीट का जो बचा हुआ कपड़ा था वो यहाँ पर रख रही हूँ, थोड़ा कपड़ा मैंने ऊपर के लिए भी रख लिया है। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये पूरा। इसको डालते समय ध्यान रखें कि कोई भी गांठ वगैरह का सा कपड़ा हो तो उसको अच्छे से पहले रफली उसको खोल ले एकदम, और फिर ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट तरीके का हमारा ये भर करके रेडी हो गया है। उसके बाद हम इस प्रकार का कार्डबोर्ड रखेंगे। सॉरी गाइज, वो नीचे वाले पार्ट में मैं दिखाना भूल गई थी, उसमें भी हमने जो बेडशीट का कपड़ा रखा था उसके ऊपर ये वाला पार्ट हमने रख दिया था। ये आप किसी भी जो गत्ता होता है ना मोटे वाला कार्डबोर्ड, उसको गोल शेप में कट करके रख दें ऊपर और नीचे। इससे क्या होगा कि खाली जो इसका जो शेप है वो मेंटेन रखने के लिए हमने यहाँ पे किया है। अगर आप नहीं भी रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
अगर हो सके तो रख लीजिएगा। और ये देखिए ऊपर से भी हम इसको नोट कर देंगे अच्छे से, एकदम टाइट जितना आप खींच सके उतना खींच करके इसको बांध देंगे। और ये हमारा मुड्डा बन करके परफेक्ट एकदम तैयार हो गया है। तो गाइज कैसे लगी आपको वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप भी अगर इंटरेस्ट रखते हैं नई नई चीज़ें सीखने का तो ये चैनल बिल्कुल आप ही के लिए है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर वीडियो आप देख पाएँ इसलिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कर लें। यहाँ पे आप एक ही चैनल पे आपको मिल जाते हैं बहुत सारी वीडियो जो कि आपको हर टाइप की क्रिएटिविटी दिखाते हैं कि हमें घर में क्या क्या हम यूज़ करके क्या क्या कुछ अच्छा बना सकते हैं। इस टाइप का आप छोटा पार्ट लेकर के भी, ये देखिए पार्टे टाइप का भी आप यूज़ में कर सकते हैं, जो कि मेरा कई सालों पुराना है ये और बहुत ही यूजफुल था, इसीलिए मैंने इसका बड़ा भी बना करके रख लिया है। तो आप भी इस प्रकार से बनाएं। और अगर गाइज आप चाहते हैं दूसरा कुछ सीखना इस मटेरियल से बनाना, तो ये देखिए ये भी इसी का बनाया हुआ है, इसका भी मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चाहें तो वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं और बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहें, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है हम उस टाइप के वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।